तो दोस्तों बढ़िया नाम है गोयल टेक्निकल इनको नॉलेज में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप सभी को नमस्ते करता हूँ मेरी ओर से और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो टॉपिक बनाया है वो है इंट्रोडक्शन टू बर्ड आर्ट और दूसरा है हमारा मतलब बर्ड आर्ट में फाइल मीनू और मीनू के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट में जो बर्ड आर्ट का मीनू वाला है उसमें हम लोग जवाब भी जान लेंगे, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से उन क्वेश्चंस के जवाब हम लोग जान लेंगे। और दूसरा हम लोग अब इंट्रोडक्शन टू बर्ड आर्ट के में चलते हैं। तो हम लोग जो पहुंचे हैं बर्ड आर्ट में, बर्ड आर्ट जो है एक तरीके का पेंटिंग की तरह से ही काम करता है, हालांकि ये पेंट नहीं है। बर्ड आर्ट जो है एक तरीके से कई सारी पैराग्राफ लिख दो एक मैगजीन मतलब बुक्स बना सकते हैं, एक तरीके से बुक्स में जैसे पेपर होते हैं ये एक तरह से मतलब टेक्स्ट लिखा होता है और टेक्स्ट के साथ में इमेजेस भी लगी होती हैं कुछ, और जैसे हिस्ट्री का पेपर बनाना है तो हिस्ट्री के पेपर जैसे मतलब हिस्ट्री की बुक में जैसे पेपर होता है वैसा वो पेपर बनाना है। तो मतलब एक तरफ से टेक्स्ट लिख दिया हमने, दूसरी तरफ हमने इमेज लगा दी उसके बगल में और पैराग्राफ लिखते चले गए, उसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे क्वेश्चन भी डाल दिए, आंसर डाल दिए, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो मतलब एक तरीके से हम लोग जैसे एमएस पेंट में करते थे नॉर्मली, वो एमएस पेंट तो नॉर्मल ही है लेकिन बर्ड आर्ट एक अलग तरीके का टेक्स्ट एडिटर है, उसमें हम जब चाहे एडिट कर सकते हैं जब चाहे कैसे कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते चले जाएंगे। तो बर्ड आर्ट जो है एक तरीके से टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है और दूसरा पेंटिंग कला भी सॉफ्टवेयर है, यानी एक तरीके से दोनों ही काम करता है। इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो लगाना चाहे वीडियो भी लगा सकते हैं, उसमें जो चाहे लगा सकते हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक खत्म होता है, जिन लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो बर्ड आर्ट का इंट्रोडक्शन टू बर्ड आर्ट में, तो हमारा क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन टू बर्ड आर्ट और हम लोग अब समझेंगे फाइल मीनू के बारे में और मीनू के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कृपया करके जो लोग जिन्होंने हमारा पहली बार आए हैं जो लोग हमारे चैनल पर, वो कृपया करके अपने तरफ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितने ज़्यादा डाउट्स आएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को आपको बताने में अच्छा लगेगा, क्योंकि जब डाउट्स ही नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे आपके डाउट्स तो कैसे क्लियर होंगे। हर का दिमाग अलग अलग चलता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्यों, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग क्यों चलता है, सबके डाउट्स अलग होते हैं, आपके डाउट्स अलग होंगे, किसी और का डाउट्स कुछ और निकल के आएगा तो डाउट्स नीचे आएंगे, हो सकता है आपका वही डाउट हो जो आप सोच रहे थे कि मेरा तो डाउट है ही गया था, तो वो डाउट भी आप शायद क्लियर कर लो कि ये डाउट मैं भी शायद पूछ लूँ, मैं भी समझ लूँ इस डाउट को, तो वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।